हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ आप कैसे घर बैठे आप मोबाइल से आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। ये करना बहुत ही ज़रूरत है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोला बता दिया गया है 31 मार्च को लास्ट डेट है। अगर नहीं किया तो आपका जो पैन कार्ड है वो इनवैलिड हो जाएगा, तो आपको कोई काम का नहीं आएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप कैसे घर बैठे आपका मोबाइल से कर सकते हैं आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक। तो करना क्या है आपको लास्ट तक देखिए, मैं इस वीडियो पर फुल प्रोसेस जो मैं दिखाया, और अगर आप लोगों ने किया भी आपको स्टेटस भी कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, सब कुछ आप कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कैसा करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको करना है आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको इधर न्यू टैब पर आने का, इधर लिखना है पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक, पैन आधार लिंक, इतना आपको सर्च करना है। ओके, जैसे इतने सर्च करेंगे आपको इधर इनकम टैक्स का वेबसाइट आ जाएगा, लिंक आधार यूजर मैनुअल, ठीक है। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है, नहीं तो मेरा वीडियो का नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उधर जाके भी आप इधर आ सकता है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, उसके क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह आपको ऑप्शन आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं, इधर दिखाई दे रहा है होम बटन, आपको होम पर क्लिक कर देना है। ओके दोस्तों, होम पर क्लिक करने के बाद आपको जो पूरा ऑल डिटेल जो होम का जो मैनुअल है वो आ जाएगा, देख सकते हैं आ गया। आपको इधर कुछ करना है, उधर कुछ क्लिक नहीं करना है, वो कर लो, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, इधर आपको ऑप्शन दिखाई देगा लिंक आधार स्टेटस, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा आपको लोड ले रहा है, वेट करना है, ठीक है। ओके, ऐसा आने के बाद इधर आपको जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड जिसका भी लिंक करना है आपको उसमें डाल देना है। मैं डाल लेता हूँ। ओके, मैंने फाइनली डाल लिया। उसके बाद आपको क्या व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक कर देना है। जैसे आपको क्लिक कर देना है आप देख सकते हैं इसका ये जो आधार का लिंक, उसमें लिंक नहीं है तो इसके लिए आपको ऑप्शन आ जाएगा लिंक आधार बोल के, ठीक है। अगर आपका लिंक रहेगा तो इधर ऑप्शन, अब मैं खुद देखता हूँ सब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कुछ जैसा क्लिक करने का कुछ इस तरह आपको ऑप्शन आ जाएगा अगर लिंक रहेगा तो। अगर नहीं लिंक रहेगा तो आपको इधर ऑप्शन आ जाएगा, आपको इधर लिंक आधार पर क्लिक कर देना है। जैसे देख सकते हैं मैं लिंक आधार पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, लिंक आधार पर क्लिक करना, आपको थोड़ा कॉल डाउन करना है, फिर दोबारा जो है आपको उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड डाल देना है, ठीक है। मैं डाल लेता हूँ। ओके, मैं जो फाइनली मैं पैन कार्ड और आधार फिर दोबारा डाल लेता हूँ। ओके, डालने के बाद आपको जो ऊपर जाना है इधर वैलिडेट को क्लिक कर देना है। ओके दोस्तों, वैलिडेट क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह आपको इनकम टैक्स नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको इधर पढ़ लेना है। उसके बाद कंटिन्यू टू पे इसको क्लिक कर, ई पे टैक्स क्लिक कर देना है। मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आपको ऐसे ही करना है, नहीं तो आपको जो है नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। फिर दोबारा जो है कंफर्म करने के लिए दोबारा पैन कार्ड का नंबर फिर दोबारा डाल देना है। मैं दोबारा डाल देता हूँ। ओके, इधर मैं पैन कार्ड का नंबर डाल दिया, दोबारा फिर पैन कार्ड नंबर डाल देना है, ठीक है। ओके, उसके बाद आपको जो है जिसका भी लिंक कर रहा है उसका मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। मैं मोबाइल में डाल लेता हूँ। ओके, ऐसे तो पहला पैन कार्ड डालना है, पैन कार्ड नंबर डालना है, दोबारा फिर से पैन कार्ड का नंबर डालना है, उसके बाद जो है मोबाइल नंबर डाल देना है। ओके, डालने के बाद आप कंटिन्यू पर आपको ऑप्शन आया कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करने के उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, आपको ओटीपी डाल देना है। ओके ओके, ओटीपी डालने के बाद आपको जो कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब कंटिन्यू में क्लिक करेगा आपको उसका नाम भी सब कुछ आ जाएगा, जब सक्सेसफुली ओटीपी आ गया उसका फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। कल कंटिन्यू पर क्लिक कर देने का आपको तीन ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। आपको इधर कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट जो है पहला जो इनकम टैक्स है उस प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देना, इधर कुछ दो ऑप्शन आ जाएगा उस पर क्लिक कर देना है। इधर जो है 23 और 24 जो है ऑप्शन उसमें क्लिक कर देना है। दोबारा जो ऑप्शन है फाइव ऑथर रिक्वेस्ट रिसीव 500 इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। ओके, उसके बाद क्लिक कर देने के बाद आपको कंटिन्यू पर फिर दोबारा कर देना है कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू आपको इधर कुछ छेड़छाड़ी नहीं करना है, आपको ऊपर जाना है, फिर से दोबारा जो है कंटिन्यू पर आपको जैसे 1000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको टोटल जो चार्जेस है आपको देना पड़ेगा 1000 रुपये, उसके बाद जो है कंटिन्यू पर फिर से दोबारा कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ओके, कंटिन्यू क्लिक आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड जो आपको कर सकता है, मैंने डेबिट कार्ड से पेमेंट पे करने वाला हूँ तो मैं डेबिट पर क्लिक किया है। उसके बाद आपको जो आपको ये है उस पर क्लिक कर देना है, मेरा ICICI बैंक है तो मैंने ICICI डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। करने के बाद आपको जो कंटिन्यू में दोबारा फिर से क्लिक कर देना है। ओके दोस्तों, आप देख सकते प्लस जो जो चीज़ आपको देख सकते पेमेंट डिटेल्स क्या है उसका जो जो अपने फॉर्म की फिलिप का वो कर देना है,
उसके बाद आपका आएगा पे नाउ बोल के, तो पे नाउ पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, पे नाउ पर क्लिक कर देंगे आपको कुछ कोल्ड डाउन ऊपर करना है कुछ, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद आई एग्री पर जो है वो क्लिक कर देना है। आई एग्री क्लिक करने के बाद इधर दोबारा फिर से क्लिक कर देना है। यानी मोबाइल से कर रहा बोल आपको ऐसे ऑप्शन आ रहा है, जो 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 मोबाइल से करने वाला जैसा प्रोसेस आएगा आपको वही प्रोसेस जो है करना है। मैंने जितना जो प्रोसेस देखा है वही करना है। उसके बाद ओके, इधर आपको डिटेल्स आ जाएगा, 1000 रुपये आपको पे करने का बोल रहा है। तो इधर लिखा है पे यूजिंग ICICI डेबिट कार्ड, पर क्लिक कर देना है। ठीक है, मैंने ICICI बैंक का क्लिक किया है, आपका जो बैंक का रहेगा वो आपको डाल देना है। ओके, उसके बाद जो है आपको उसका मोबाइल नंबर डाल देना है। ओके, आपको इधर मोबाइल नंबर डाल देना है कोई कोई, आप जिसका कर रहा है उसका मोबाइल नंबर डाल देना है। मैं आपको मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, डाल देता हूँ। ओके, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद कुछ इस तरह आपको लोडिंग लेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, देख सकते इधर पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, इधर देख सकते दिखा है पेमेंट यू सक्सेसफुल। ओके, उसका जो आपका रिसीव जो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन, आपको डाउनलोड कर लीजिए। करने के बाद अब आगे का प्रोसेस बताऊंगा आपको। इधर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। ओके दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद आपको डाउनलोड आपको जो है PDF आपको डाउनलोड हो जाएगा। ओके, देख सकते हैं आपने जो पेमेंट किया हो वो सक्सेसफुल जो हो चुका है। ओके, उसके बाद आपको करना है आपको टोटली बैक हो जाना है। ठीक है, इसको जो है टोटली फिर से दोबारा बैक हो जाना है। मैं इस पर आपको क्लिक करके जो है होम बटन पर आ जाना है। ओके, आने के बाद फिर दोबारा क्या करना है, इधर आपका जो आधार कार्ड पैन अभी तक लिंक नहीं हुआ, अभी के पास पेमेंट हुआ है। बहुत सारा जो यूट्यूबर में वीडियो आपने देखा होगा, बस इतना था दिखाता है, उसको आगे का प्रोसेस बताता नहीं है। और पेमेंट तो हो गया पर अभी तो आधार कार्ड से पैन का लिंक हुआ नहीं, उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। फिर दोबारा करना क्या है, लिंक आधार चिट्ठी पर फिर से क्लिक कर देना, दोबारा क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, ओके, दोबारा क्लिक कर देने का फिर जो सेम प्रोसेस जो आपको फिर दोबारा करना पड़ेगा आपको दिखा देता हूँ। ओके, इधर जो है फिर से दोबारा जो है आपको इधर पैन कार्ड का नंबर डाल देना है दोबारा फिर से। ओके, मैं फिर दोबारा डाल देता पैन कार्ड का नंबर, इधर पैन कार्ड नंबर डाल देना है, फिर दोबारा इधर आधार कार्ड का नंबर जो है इधर डाल देना है। ओके, डालने के बाद इधर फिर व्यू लिंक आधार टैब पर फिर से क्लिक कर देना है। ओके, खेलने का आपको फिर दोबारा ऐसे सेम टू सेम प्रोसेस आ जाएगा, फिर लिंक आधार पर दोबारा मुझे दिखा देता हूँ, सोलो दिखा रहा है। ओके, और लाइट पर नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, आया फिर लिंक आधार पर दोबारा फिर से क्लिक कर देना है। ओके, क्लिक करने के बाद दोबारा फिर जो आपको इधर जैसा प्रोसेस किया था फिर दोबारा डाल देना है, आधार कार्ड डाल देना इधर जो है, फिर आधार कार्ड नंबर डाल देना है, डालने के बाद बैलेट फिर भी दोबारा क्लिक कर देना है। अभी जो जाएगा आपके जो है पेमेंट का ऑप्शन ही मांगा जाएगा, फिर कॉन्टू कर क्लिक कर देता है। ओके दोस्तों, फिर दोबारा जो आपको जैसा डैशबोर्ड आ जाएगा फिर आपको लिंक आधार टैब पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसा लिंक आधार पर क्लिक कर देना है फिर दोबारा सेम टू सेम प्रोसेस आपको कर देना है। इस बार जो आपको पेमेंट नहीं करना है आपको अभी इस बार जो है लिंक कर देना है। ओके, इसका मैं दोबारा मैं पिन कार्ड डाल देता हूँ और इधर जो है आधार कार्ड का नंबर जो फिर से डाल देता हूँ। ओके, डालने के बाद फिर से आपको व्यू लिंक आधार टैब पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक कर देने के बाद आपको कुछ इस तरह फिर आएगा लिंक आधार बोल के। ठीक है, लिंक आधार आपको क्लिक अब देख सकते हैं आएगा फिर दोबारा। ओके, लिंक आधार पर दोबारा आएगा, फिर लिंक आधार पर क्लिक कर देना है। जैसा लिंक आधार पर क्लिक कर देना है फिर दोबारा आपको यह पैन कार्ड का नंबर फिर दोबारा डाल देना है। मैं डाल देता हूँ, फिर दोबारा डाल दिया, उसके बाद आधार कार्ड नंबर नंबर फिर से डाल दिया। अभी देखिए अभी जो है पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। ओके, देख सकते अभी जो है मैं आपको देता दिखा रहा है पेमेंट जो सक्सेसफुली आपको आ रहा है। इधर फिर आपको नंबर आ गया, आप फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ओके दोस्तों, फिर दोबारा क्या करना है आपको, इधर लिखा क्या है नेम एज पर आधार, आधार कार्ड पर जो नाम लिखा है वो नाम इधर डाल देना है। उसके बाद जो नंबर नंबर पहला दिया था वो नंबर डाल देना है। उसके बाद जो टिक आपको इधर आपको खाली रहेगा दो टिक आई एग्री पर क्लिक कर देना है। ओके, फिर लिंक आधार पर क्लिक कर देना है। ओके, लिंक आधार पर क्लिक करने के बाद फिर दोबारा जो उसका मोबाइल नंबर जो दिया है वो OTP जाएगा, आपको OTP इधर एंटर करना है। ओके दोस्तों, जैसा आपको लिंक पर क्लिक करके वैलिड क्लिक कर देंगे आपको नोटिस आ जाएगा, ये रिक्वेस्ट आधार कार्ड पैन लिंक सेंड UDI पर जो चला गया है। उसको आपको क्या करना है, तीन से चार दिन के बाद आपको फिर दोबारा इधर ओके पर क्लिक कर देना है। तीन से चार दिन के बाद आपको इधर लिंक आधार टैब पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जैसे आपको आधार कार्ड नंबर डाल देंगे इधर आपको ऑप्शन आ जाएगा लिंक और आधार ऑलरेडी लिंक बोल के आपको ऑप्शन जो है इधर शो कर देगा।
आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैं दोबारा फिर से आपको कमेंट करके बता दूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें या दोस्तों साथ भी शेयर करें। आप घर बैठे आधार कार्ड लिंक करें, आपको किधर भी जाने का जरूरत नहीं है। मिलते हैं कोई दूसरा वीडियो लेके, तो जय हिंद, वंदे मातरम।